चाहते हैं कि आगे बढ़े भाई, प्रोग्रेस हो हमारा भी, इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हम भी आगे बढ़े, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सुधार हो, यहाँ पे जो है जैसे मैंने वो जो इश्यूज आपको बोली है डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे जॉब्स की किल्लत है, नौकरियों की किल्लत है, बहुत सारी चीजें हैं और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट इवेंट, जिसमें कश्मीर से एक एक्टिविस्ट और साथ में आरजू काजमी ने, जो भारतीय कश्मीर में आज विकास की गंगा बह रही है मोदी सरकार की वजह से, उसमें कैसे युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर दिया, इस पर विश्लेषण किया है। क्योंकि पहले जो पाकिस्तान से प्रायोजित षड्यंत्र आतंकवाद भारत में आता था और कश्मीर में आतंकवाद फैलाता था और कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके कैसे उनको एक ऐसे गड्ढे में डाल रहा था जिसमें ना ही तो वो खुद का विकास कर सकते थे और ना ही वो देश और राष्ट्र के विकास में भागीदार बनते थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किए हुए ब्रेन वॉश का जो टाइम था वो आज के समय निकल चुका है और अब आने वाले समय में भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के कश्मीर का हर युवा खड़ा होकर अपने विकास की भागीदारी में हिस्सा बन रहा है और बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को बैंकर वाली मिर्ची लगी हुई है कट्टरपंथियों को कि इस कश्मीरी एक्टिविस्ट ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी और जो पाकिस्तान से पहले सलाउद्दीन जैसे कट्टरपंथी मौलाना और कश्मीरी नेताओं को फंडिंग करके कैसे कश्मीर में आतंक फैलाया जाता था, इस पर विश्लेषण किया है आरजू काजमी और इस कश्मीरी भारतीय कश्मीरी एक्टिविस्ट ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कश्मीर की बात करें तो बहुत टाइम से हम ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी एक टेंशन सी बनी रहती है, लेकिन आप वहाँ कश्मीर में होती हैं, आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कश्मीर का और वहाँ पे लोगों का, स्पेशली वहाँ की यूथ का क्या फ्यूचर है? क्या वो इसी तरह से यही देखते रहेंगे कि टेंशन बनी हुई है, कभी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं 370 पे और कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कश्मीर के ऊपर, और एक अजीब किस्म की, जिसे हमेशा मैं कहती हूँ, एक टेंशन सी बनी हुई है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ की यूथ जो है वो क्या सोच रही है और क्या कर रही है इस बारे में? यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना, अनलाइक जो हमारे हमसे पहले जो जनरेशन था उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया, उनकी इमोशनल स्टेट को यूज किया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है वो मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंट होती जा रही है, सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। सो फॉर एग्जांपल आज की यूथ, इट वी नो कि यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे, ये सब हमारे किसी काम के नहीं, आसिया अंद्राबी, ये सब हमारे किसी काम के नहीं, ये सब बस हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाते हैं, ये सब बस एक ये जुमले बन के रह गए हैं एंड वी हैव रियलाइज्ड कि इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आर्टिकल 370 गोइंग, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ के दहशतगर्द थे, बिकॉज वो जेल में चले गए हैं, बिकॉज आर्टिकल 370 का फाइनली एब्रोगेशन हो गया है, तो पिछले 2-3 सालों में यूथ जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल इश्यूज जैसे कि जॉब्स, ड्रग्स मैनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइन्स, इन चीजों पे यूथ का ध्यान जा रहा है। और ध्यान जा रहा है इसका मतलब कि दे आर अवेयर कहाँ पे फॉल्ट लाइन्स हैं और eventually they will be aware कि इनको ठीक कैसे करना है, they are working on solutions, they are voicing, आज भी protests होती हैं, आज भी आवाजें उठती हैं, मगर किस लिए? Not for आजादी and all that nonsense. आज का यूथ समझता है, पढ़ा लिखा यूथ है और कश्मीर के बाहर भी हम में से बहुत सारे हैं जो कश्मीर के बाहर पढ़ के आए हैं, so we are aware कि we are part of a free country, so एक free country से आजादी मांगने में कोई sense ही नहीं है। तो आज का जो यूथ है वो करता है काम, वो प्रोटेस्ट करता है, वो आवाज उठाता है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, नौकरियों के लिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, तो इन सब चीजों के लिए, यू नो, महंगाई के खिलाफ, इन सब चीजों के लिए वो आवाज उठाता है। सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर कश्मीर बिकॉज द यूथ ऑफ कश्मीर इज फाइनली अवेयर।
और जो बाकी लोग हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, वो क्या कहते हैं? जो बड़े हैं उनका ये कहना है कि वो हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे या इंडिपेंडेंट होना चाहता है कश्मीर, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो आई विल टेल यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन, और शायद जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके भी जो व्यूअर्स हैं और मेरे भी जो व्यूअर्स हैं, वो ज्यादातर दे हैव अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक माइंडसेट, वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम, इट डजंट मैटर. तो दे हैव अ रैशनल माइंड. जो हमारे, मुझे पता है कि किस तरह के लोग आपके शोज देखते हैं, किस तरह के लोग मेरे शोज, दे हैव अ रैशनल माइंडसेट और वो मेरी बात को समझेंगे. जो हमसे पहले वाला जो जनरेशन है, जिनको, जैसे मैंने बोला, जिनकी इमोशंस के साथ खेला गया, उनको बड़ी बड़ी, उनको झूठे सपने दिखाए गए, वो बिकॉज ऑफ ऑल दैट दे सॉ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा पंडितों का एक्सोडस, एंड ऑफ कोर्स उनको पता है कि पंडित हमारे ही सोसाइटी के लोग हैं, तो वो एक दर्द है, वो एक ब्लॉट है हमारी कश्मीरियत पे, जो उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया है. और उन्होंने ये भी देखा है कि कैसे जिनको भी उन्होंने वोट डाला है, या तो उनको रिग करके हराया गया, या तो उन्हें जेल में डाला गया, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, ठीक है ना? सैयद सलाउद्दीन के साथ क्या हुआ, वो जीत रहा था, जिन लोगों को इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी पे भरोसा था, उन्होंने वोट डाला था, सैयद सलाउद्दीन को जिताया था, मगर रिगिंग हुई, जैसे आप जानते हैं कांग्रेस और एनसी की चाल थी, वो रिगिंग हुई, तो उस वजह से ही तो मिलिटेंसी वगैरह क्यों शुरू हुई, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन का जो रिएक्शन था वो बहुत गलत था. उसने जो रिएक्शन दिया ना, वो फार फेच्ड और ओवर रिएक्शन दिया, कि भाई मुझे हरा दिया तो अब मैं जाऊंगा दुश्मन देश में जाके बैठूंगा और वहां से मैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूंगा इंडिया के खिलाफ. ये तो बहुत ही उसने गलत किया ऑफ कोर्स, मगर मैं कह रही हूँ कि जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, उनका क्या, उनके सपने टूट गए, उनका दिल टूट गया, उनकी जो एस्पिरेशंस थी अपने कश्मीर को लेके, वो टूट गए, एक तरह से उनका भरोसा टूट गया है ना. वो चाहे इंडियन डेमोक्रेसी पे भरोसा हो या अपने लीडर पे भरोसा हो, क्योंकि कश्मीरी भी तो नहीं चाहते थे कि जिनको उन्होंने वोट डाला वो खुद इंसान कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दे, वो तो ये भी नहीं चाहते थे, और ना वो चाहते थे कि जिस इंडिया पे उन्होंने भरोसा किया वो उनके वोट की इस तरह बेइज्जती करे. अब ये पहली बार, ये सिर्फ वही नहीं रुका, उसके बाद इंजीनियर रशीद के साथ भी यही हुआ, वहीद पारा वाज गेटिंग सो पॉपुलर विद द यूथ, उस पे भी, उसको भी अरेस्ट कर दिया, और अब खैर वो बाहर है जेल के, लेकिन ही इज क्वाइट, ही इज स्टंड, ही इज हर्ट, ही इज नॉट श्योर इफ ही वॉन्ट्स टू गेट बैक इन टू पॉलिटिक्स. तो अब हम भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि दीज पीपल वर ऑल इन्वॉल्व इन टेरर फंडिंग, तो एज गुड सिटीजन ऑफ इंडिया वी डोंट वॉन्ट टू, यू नो, हम उनको एडवोकेट नहीं करना चाहते, हम नहीं करना कहना चाहते कि वो सही है या गलत है या कुछ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने वोट डाला था वो इस वक्त चुप है, वो बस चाहते हैं कि जो जो उन्होंने देखा वो हमारा जनरेशन, उनके बच्चे यानी कि हमारा जनरेशन, हम वो सब विटनेस नहीं करें. उनका बस यही है कि जो भी दहशतगर्दी बोलिए आप, या जो भी उनके साथ जो धोखे हुए हैं, वो उनके बच्चों के साथ नहीं हो, और एट द मोमेंट दे आर जस्ट क्वाइट एंड दे आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दिस. लेकिन आपको ये नहीं अभी पता कि वो क्या चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ मिले रहें? जैसे मैंने कहा आपको, वो इन चीजों में नहीं, इन मसलों में सोचते ही नहीं. वो चाहते हैं कि गवर्नेंस उनकी अच्छी हो, सड़कें, नौकरियां, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सारा कुछ डिवेलप हो कश्मीर. आज की तारीख में एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, वो चाहे किसी भी जनरेशन की हो, पिछली जनरेशन की या आज की जनरेशन, एंड दैट इज ओनली डेवलपमेंट. पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी है, और वो ये चाहते हैं, मैं इतना कह सकती हूँ कि वो ये चाहते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद द डिलिमिटेशन, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिलिमिटेशन का जो ऐलान किया, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, एंड दे वॉन्ट द स्टेटहुड टू बी रिस्टोर्ड, एंड दे वॉन्ट इलेक्शन टू हैपन. वो ये चाहते हैं, आजादी वाजादी की बातियां कोई नहीं करता आज. बिल्कुल ठीक. लेकिन आप क्या समझती हैं याना, कि क्या चीज ऐसी रही या क्या फेलियर रहा जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर का कोई हल नहीं निकल पाए? सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से भी आप क्या समझती हैं कि क्या कमजोरी रही जिसकी वजह से आज तक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है पाकिस्तान और ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया ने तो शुरू कर दिया है कश्मीरियों को एज ह्यूमंस देखना,
ठीक है ना, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझने लगा है और उस पे काम भी करने लगा है, मगर पाकिस्तान अभी भी जो है कश्मीरी को एज ह्यूमन नहीं देखता, एक एक जियोपॉलिटिकल पपेट की तरह देखता है जिसको यूज कर सकता है, एक कश्मीरी इंसान से ज्यादा, उसकी उसकी फीलिंग से ज्यादा, वो क्या चाहता है उससे ज्यादा पाकिस्तान फोकस करता है एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस ने बोला डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड है। अरे कश्मीरी चाहता है क्या कि यहाँ पे डिस्प्यूट रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे? कौन सा कश्मीरी चाहता है? कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े भाई, प्रोग्रेस हो हमारा भी, इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हम भी आगे बढ़े, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सुधार हो, यहाँ पे जो है जैसे मैंने वो जो इश्यूज आपको बोली डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे जॉब्स की किल्लत है, नौकरियों की किल्लत है, बहुत सारी चीजें, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं कोशिश कर रही है, मगर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उनके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी प्रॉमिसेस, जैसे ये भी तो ऐलान किया ना अमित शाह जी ने कि बहुत जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर होगा, अभी तक हुआ नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि इतनी लाख जॉब्स होंगी, 7 लाख जॉब्स, ये वो, फिर वो पैकेजेस का ऐलान करते रहते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। फिर वो ये भी कहते रहते हैं कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब वो कहते रहते हैं, मगर आज भी आप देखो सिविलियंस आज भी टारगेट बन रहे हैं, नॉट ओनली सिविलियंस, इवन पुलिस वाले टारगेट बन रहे हैं। तो जो जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो पूरे तो हो नहीं, मगर हमें इतना पता है कि इंटेंशंस ठीक है। और यूथ को भी अब वो जोश है यूथ के अंदर कि जो जो उनके राइट्स हैं वो उसके लिए आवाज उठाएं, जो वो कर